नमस्कार किसान भाई, और डी गार्डन में आप सभी किसान भाई का एक बार फिर से स्वागत है। और आप बने हुए डीवी दामा के साथ। जल को छोड़कर वे सभी पदार्थ जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं और मिट्टी में मिलाने के बाद मिट्टी की उर्वरकता में सुधार करते हैं, वे खाद कहलाते हैं। उन्हीं में से एक खाद है गोबर खाद। गोबर खाद का उपयोग समय समय पर सभी किसान भाई अपने खेतों में करते रहते हैं। और हमारे खेतों व हमारी फसलों में यह किस तरीके से कार्य करता है, कौन कौन से इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, और इसको अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए ताकि हमारी फसल में अच्छे से यह और भी अच्छा कार्य कर सके। तो किसान भाई, सबसे पहले जान लेते हैं कि गोबर खाद में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए, सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम व इनके अलावा भी काफ़ी सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इन तत्वों की मात्रा इसमें कुछ कम पाई जाती है। लेकिन पोषक तत्व कम होने के बाद भी हमारी मिट्टी में व हमारी फसलों में किस तरीके से अच्छे से कार्य करता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले बात करते हैं मिट्टी में। जब हम गोबर खाद को अपनी मिट्टी में मिला देते हैं तो मिट्टी में वायु संचार बढ़ जाता है, और जो हमारी भारी मिट्टी होती है, भारी यानी के जैसे आप चिकनी भी इसको कह सकते हैं, या हमारी बहुत ही हल्की मिट्टी होती है जो कि रेतीली मिट्टी को हम हल्की मिट्टी कहते हैं, तो ऐसी मिट्टी में गोबर खाद का उपयोग करने से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। और इनके अलावा जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जड़ों का अच्छे से विकास होना शुरू हो जाता है। और इनके अलावा भी एक अन्य काम जो कि सबसे मुख्य काम गोबर खाद का है, मिट्टी में जल धारण व जल सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है। और ये मिट्टी में पानी पीने की क्षमता को कैसे बढ़ाता है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पौधों व फसलों में ये किस तरीके से कार्य करता है। तो किसान भाइयों, गोबर खाद डालने से पौधों को पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलने लगते हैं, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम व सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। और गोबर खाद मिट्टी में डालने से मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। जीवाणु जटिल नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट यानी कि आयरन में बदलते हैं, और नाइट्रोजन का सही रूप पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये गोबर खाद हमारी फसलों में कार्य करता है। अब जान लेते हैं, थोड़ी देर पहले हमने एक मुख्य इसका कार्य की बात की थी। तो किसान भाई, मैं आपको देखे थोड़ा दिखाना चाहूँगा ये हमारी मिट्टी में जल धारण शक्ति कैसे बढ़ाता है। एक टुकड़ा मैं आपको लेकर थोड़ा दिखाना चाहूँगा। मैं इसको पानी में डाल देता हूँ, ये केवल 1 या 1.5-2 मिनट के लिए ही मैं इसको पानी में डालूंगा। और देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। और जैसे ही देखिए मैं इसको दबाता हूँ, काफ़ी पानी इसके अंदर से निकल आएगा, काफ़ी पानी इसने सोख लिया है। तो किसान भाइयों, ये हमारी मिट्टी में बहुत ही अच्छा कार्य करता है पानी सोखने का। जब अप्रैल या मई के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, उस समय पर हम अपनी मिट्टी में पानी देते हैं या फसल में पानी देते हैं, तो उस समय पर ये पानी को अच्छे से सोख लेता है, जिसके कारण हमारी फसल में या मिट्टी में काफ़ी लंबे समय तक नमी बनी रहती है। अधिक नमी बने रहने के कारण अधिक गर्मी में भी हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करती रहती है। आपने अक्सर करके देखा भी होगा, जिस खेत में हम गोबर खाद का उपयोग करते हैं उसमें काफी नरमाई बन जाती है। जब फावड़े वगैरह से हम उसकी खुदाई करते हैं तो बहुत ही नरम मिट्टी उसकी खुदती है। वो कारण किसान भाइयों केवल इसी बात का होता है कि ये गोबर खाद उसको पानी को अच्छे से सोख लेता है और काफी लंबे समय तक उसमें नमी बनी रहती है। और अधिक लंबे समय तक हमारी मिट्टी में नमी बने रहने के कारण ही जो हम समय समय पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं वे भी काफी अच्छे से कार्य करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, ये गोबर खाद का मुख्य काम होता है जो कि हमारी मिट्टी में काफी लंबे समय तक नमी को बनाए रखता है। लेकिन किसान भाइयों, ये गोबर खाद तभी अच्छे से कार्य करता है जब हमारा गोबर खाद डीकम्पोज किया हुआ हो। अगर आप कच्चे गोबर खाद को लेकर के उसको खेतों में डालते हैं तो इतना अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। ये देखे, मैं आपको कच्चा गोबर खाद दिखा रहा हूँ। इसको छूने वगैरह से ये हमारे हाथ में भी लग जाता है, और आप कितने भी लंबे समय तक एक जगह कच्चे गोबर खाद को डाले रखें, ये डीकम्पोज नहीं हो पाता है। जब भी आप इसकी फावड़े वगैरह से खुदाई करते हैं तो ये नीचे से कच्चा का कच्चा ही निकलता है, और हमारे फावड़े वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चिपकता है। तो किसान भाई, अगर आप चाहते हैं कि हमारा गोबर खाद अच्छे से डिकम्पोज हो जाए, तो आप एक जगह से भर करके उसको दूसरी जगह पर डाल देंगे कुछ इस तरीके से, तो 1-2 महीने बाद ही आपका ये फुली डिकम्पोज हो जाएगा। और जब भी आप इसको फावड़े वगैरह की मदद से भरेंगे, आपके फावड़े से बिल्कुल नहीं चिपकेगा, या हाथ से भी आप इसको ऐसे उठाकर देख सकते हैं, या थोड़ा गहराई तक भी अगर हाथ से आप इसको खोद करके देखते हैं, तो किसान भाइयों ये आपके हाथ को बिल्कुल भी नहीं चिपक पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको और अत्यधिक शक्तिशाली बनाया जाए ताकि हमारी फसल व हमारी मिट्टी में ये और अच्छे से कार्य कर सके, तो किसान भाइयों इसके लिए जब आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह
पर आप इसको डाल देंगे। उसके बाद में आपको ले लेना है रेत, जो कि काफी बारीक रेत यह है। ये आपके आसपास कोई नदी हो या नहर हो वहां से अच्छे से खुदाई हो जाती है। और रेत को लेने के बाद में आपको अपने गोबर खाद पर 1 इंच की लगभग परत बना देनी है, पूरे के पूरे गोबर खाद के ऊपर इसकी परत बन जाती है। तो ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि किसान भाइयों रेत की परत बनाने से जो इसके अंदर गैसें बनती हैं वे अंदर के अंदर रह जाती है, ऊपर की हवा नीचे नहीं घुस पाती, जिसके कारण ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। और दूसरा ये किसान भाइयों हमारे गोबर खाद में जो तत्व होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा कारण किसान भाइयों ये बन जाता है कि हम 2-3 ट्राली जब भी इस पर रेत डाल देते हैं तो हमारे गोबर खाद की मात्रा बढ़ जाती है, और जो हमारी भारी चिकनी मिट्टी होती है उसमें भी रेत डालने से काफ़ी अच्छा कार्य ये करता है। तो किसान भाई अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गोबर खाद भी अधिक शक्तिशाली बन जाए, तो इन कार्यों को करके आप अपनी गोबर खाद को अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। और अच्छी फसल व अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाई आपको गोबर खाद का उपयोग अपनी फसल में जरूर करना चाहिए। तो किसान भाई इस तरह की नई नई जानकारी मैं आप सभी किसान भाइयों के सामने लेकर आता रहता हूँ। अगर जानकारी पसंद आए तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली वीडियो उन तक जल्दी जल्दी पहुँच सके। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार।